हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का एग्जांपल नंबर 6, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। एक जूस सेलर है जो कस्टमर्स को ग्लास में क्या सर्व कर रहा है, जूस सर्व कर रहा है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, जो ग्लास है वो हमारी किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है, वॉज 5 सेंटीमीटर। ग्लास क्या थिक है, मतलब मोटी मोटाई है उस ग्लास में। जैसे ये हमने ग्लास है तो ये तो पेपर से है, लेकिन अगर आप कांच वाला ग्लास देखोगे तो वो थोड़ा मोटा होता है। तो उसकी आउटर जो डायमीटर होगी और इनर जो इसका डायमीटर होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपको इनर, यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ग्लास क्या थिकनेस लिए हुए। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब इस ग्लास के बॉटम में क्या है, एक इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई है। एक्चुअल ग्लास है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, बट उसके जो बेस में यहाँ पे क्या हो गया है, हेमिस्फेरिकल कैपेसिटी बनी हुई है। जैसे ये वाला हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया, इस तरह से ये ग्लास है, ग्लास के अंदर ये हेमिस्फेरिकल शेप इस तरह से है। इफ़ द हाइट, तो उससे क्या हो रहा है, जो ग्लास की कैपेसिटी है लेट की, अगर अगर इस ग्लास में हेमी स्फेरिकल शेप यहाँ नहीं बनी होती, इसमें 200 ml यहाँ पे वाटर आ रहा है, तो अगर इस हेमी स्फेरिकल शेप यहाँ पे बन जाएगी तो अब इसमें वाटर जितना आना चाहिए, जितना ग्लास की कैपेसिटी, उतना पानी नहीं आएगा, उससे कम पानी इसमें आएगा, या फिर जूस जो भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो फिर इसने क्या किया, इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, इस ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट इज़ एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब कि जो ग्लास की रियल कैपेसिटी है, यानी ग्लास कितना जूस इसमें होल्ड कर सकती है, अगर हमें ग्लास की जो यहाँ पे कैपेसिटी वो कैसे आएगी, टोटल जो ग्लास है इसमें से ये वाला पार्ट, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम यहाँ पे कवर कर रहा है, उसको आपको क्या करना है, जितने वॉल्यूम यहाँ पे कवर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही अपेरेंट, मतलब कि जो इसकी एक्चुअल यहाँ पे ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, कितना ये जूस यहाँ पे उसके अंदर होल्ड कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको ये हमारा ग्लास है, ओके, ये मैंने यहाँ पे ग्लास बनाया, ये इसकी ग्लास की यहाँ पे रियल है, बट जूस वाले ने यहाँ पे क्या हुआ है, जो वो इस तरह का ग्लास लेके आया है जिसमें हेमी स्फेरिकल इसके अंदर रखा हुआ है, यानी बेस इसका कैसे, इस ग्लास के अंदर ये हेमी स्फेर रखा हुआ है। तो जितना ये जूस ये होल्ड कर सकता है, उतना एरिया इस ग्लास का, इतना वॉल्यूम तो इसने कवर कर लिया। तो इसका मतलब जूस की जो यहाँ पे इस ग्लास में जो एक्चुअल जूस आएगा वो कम आएगा, जितना आना चाहिए उससे कम आएगा। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस सिलेंडर के एरिया में से इस हेमिस्फेयर के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसके अंदर कोई ना वॉल्यूम कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेप इसके अंदर है। अब ये जो आपकी एक्चुअल ग्लास जो फिगर के अंदर है वो इस तरह से ये शेप अंदर है, तो वो ग्लास के, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमारा पूरा आएगा, एच यहाँ पे मल्टीपल जो फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हेमिस्फेयर ने अपने अपने वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम का वो कवर कर सकता है, जितना जूस होल्ड कर सकता है, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी उसका एक्चुअल हमें कैपेसिटी ग्लास की पता चले। तो नाउ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी, ये जो हमारी एपरेंट कैपेसिटी वो कौन सी है, ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो वो हमारी कैसे आएगी, इक्वल टू कैसे आएगी, ग्लास के वॉल्यूम में से, ग्लास हमारी शेप सिलेंडर की है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाले पोर्शन को, ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल, ये सिर्फ ग्लास में यहाँ जूस फिल होगा लेट की हमने इसमें, तो आप ये देखो, सिर्फ जैसे हमने इसमें ऑरेंज जूस फिल किया है तो बस इतना ही ऑरेंज जूस इसमें फिल होगा, ये वाला जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है यहाँ पे जूस फिल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा हार्ड पोर्शन है इस तरह से। तो इसको हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मीन्स कि ग्लास के वॉल्यूम में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ओके। तो नाउ वन बाय वन सॉल्व करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, और फिर इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ पे देखो, इस सिलेंडर के लिए हमें रेड यहाँ पे डायमीटर के बने 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर इनर डायमीटर है, अंदर की तरफ जूस फिल किया तो इनर डायमीटर ही देखना है, और एक ही यहाँ पे डायमीटर हमें गिवन है, तो वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा? रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5/2। डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर जितना भी गिवन है उसमें 2 से डिवाइड कर दो, आपका रेडियस हो जाएगा। फिर हाइट हमें यहाँ पे कितने गिवन है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमें सिलेंडर की वैल्यू गिवन है, हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया पाई। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 22/7। और इसमें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, 3.14 है बुक के अंदर। तो ये हो गया 3.14 इंटू 5/2 का स्क्वायर इंटू एच इज 10। तो ये हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू हो गया हमारा 10। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ डेसिमल हटाया, डिवाइड में 100 आ गया। तो 10 से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 के टेबल से 314 कैंसिल हुआ, तो आया 157। अब डिवाइड करके देखो, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बचा 1, 11, तो 5 टाइम, फिर 1 बचा 14, 7 टाइम। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे एक और हम कैंसिल करते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो नहीं है, 2 भी है साथ में, इसलिए हम 5 से 10 को कैंसिल कर देते, 2। तो अब यहाँ से कितना बचा? 157 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो ये 157 इंटू 5, 5 को 157 से जब आप मल्टीपल करोगे तो 785/4 आ जाएगा, और 785/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 196.25 वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इजी। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2/3, स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर स्पेयर का हाफ होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो हेमीस्फेयर है इसके अंदर है इस तरह से, तो जितना ग्लास का इनर रेडियस है उतना ही इस हेमीस्फेयर का रेडियस होगा। तो इसका रेडियस 5/2 है और ये ग्लास के अंदर की तरफ बना हुआ है, तो ये ग्लास का जो बॉटम है वो बिल्कुल फिक्स, उस पर ये हेमीस्फेयर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है क्योंकि ग्लास हमारी सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये 5 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 5। तो रेडियस हमारी इसकी हाफ हो जाएगी, तो रेडियस बिल्कुल इक्वल होगी हमारी 5/2, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर के, रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हेमीस्फीयर इसमें बिल्कुल फिक्स किया हुआ है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, अब वैल्यू पुट कर ले, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब, यानी कि 5/2 का क्यूब हो गया। हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 3 टाइम हम राइट कर लेते हैं, फिर ये सेम डेसिमल हटाया, डिवाइड बाय 100। अब आप सेम वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 157 हो गया, और यहाँ पे 5 के टेबल से 100 कैंसिल हो गया, 20 टाइम 5 के टेबल से 20 कैंसिल हो गया, 4 टाइम, बस यही हमारा सॉल्व हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से बच गया 157 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 157 इंटू 5 हमने अभी सॉल्व किया, 785 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा हमारा 32.7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो नाउ जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास जो हमें फाइंड करनी है वो कितनी है? वॉल्यूम सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो हम यही फाइंड करें, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना है? 196.25। अब यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये पुट किया, फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज दिस -32.7। ओके, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा एक्चुअल कैपेसिटी है ग्लास की। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।